हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है वेडनेसडे की सुबह और हम आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं अपने घर की क्लीनिंग रूटीन। मेरे घर में 6 बेडरूम्स हैं, 6 बाथरूम हैं और 2 हॉल हैं जिनकी सफाई एक दिन में पॉसिबल नहीं है। तो हम जो है अपने घर की सफाई 2 पार्ट्स में करते हैं, एक दिन ऊपर का पोर्शन और एक दिन नीचे का पोर्शन। लेकिन कुछ वजह से हम बिज़ी रहे तो इसलिए यहाँ पे आज हमको दोनों का पोर्शन करना पड़ा। तो इसलिए सोचा कि कुछ इजी रेसिपी बनाएं तो मेरा काम जल्दी से हो जाए। और यहाँ पे ऊपर का पोर्शन जो है हमने क्लीन कर दिया था और ये सारे ये जो मेरे बेडशीट ये हमने धोने के लिए निकाल लिए हैं। बच्चों का रूम भी साफ़ कर लिया और ये वाला छोटा सा हॉल जो है मेरा, ये लेडीज़ हॉल इसको बोलते हैं हम लोग, तो ये भी सब साफ़ कर लिया। सबकी बेडशीट हमने चेंज कर दी। उसके बाद हम नीचे जा रहे हैं। अब हमको नीचे का पोर्शन भी क्लीन करना था लेकिन उससे पहले जो है वो हम किचन में चले गए और किचन में जाके हमने सोचा कि पहले जो है वो खाना जो है बनने के लिए रख देते हैं तो ये मेरा टाइम सेव ऐसे हो जाएगा कि हम जब तक मेरा यहाँ पे आधा खाना बनना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम अपनी दूसरी क्लीनिंग कर लेंगे। ये लिटरली 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको, जब तक हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई में जो है प्याज लाल कर लिए हैं। कढ़ाई में हम इसलिए लाल करते हैं क्योंकि जो है फिर कुकर में लाल करने से, ये फ्राई करने से ना बहुत सारे निशान बन जाते हैं उसमें तेल के, तो ऐसे जो है कुकर का बेस क्लीन रहता है। तो ये पहले प्याज को मैंने फ्राई कर लिया, उसको इसमें कुकर में शिफ्ट कर दिया और अभी ये कढ़ाई हम रहने देंगे क्योंकि इसमें अभी हमको और भी प्याज को फ्राई करना है जो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये रेसिपी जो है बहुत क्विक है, बहुत इजी है और अभी जो है इस वीक में और भी जो भी हम आपसे रेसिपी शेयर करेंगे सब की सब क्विक रेसिपीज शेयर करेंगे क्योंकि सोच रहे हैं कि इसका एक सीरीज़ बनाएँ जो जल्दी जल्दी रेसिपीज़ बन जाए सबके घर में। इजी जल्दी जो काम करने जाते हैं उनको भी बहुत मुश्किल होती होगी कि जल्दी खाना कैसे बनाए, तो उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये रेसिपी में सबसे पहले हमने डाला है प्याज लाल करा है, उसमें अदरक लहसुन डाला है, फिर यहाँ पे जो बेसिक घर के मसाले हैं बस झटपट वो डाल दिए, जो है नमक मिर्ची धनिया, थोड़ी सी हल्दी डाली है और 1 चम्मच गर्म मसाला डाला है। और ये मेरा है 1/2 kg गोश्त के लिए। तो फिर इसके बाद गोश्त डाल के भूनेंगे और इसको चढ़ा के रख देंगे चूल्हे पे। तो जब तक यहाँ पे गोश्त गलेगा तब तक हम उधर की क्लीनिंग कर लेंगे। और इस रेसिपी का नाम है शोले। ये एक कंप्लीट डिश है साग दाल और गोश्त की। तो ये आपको एक फुल पावर मील मिलेगा, एक ही मील में आपका सब काम हो जाएगा। दाल भी है, चावल भी है, गोश्त भी है, सब्जी है, सब आपको प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगा और आयरन मिलेगा साग से। इसमें हरा पालक जो है वो यूज़ होता है, बट मेरे घर में जो है वो लाल साग बचा हुआ था तो हमने वही डाल दिया है यहाँ पर। और ये जो है रेसिपी हलीम जैसे होती है ना, बस उसी का ही समझ लिए, भाई बहन है ये हलीम के तरह। और मेरे घर में इसको हम लोग सब बहुत पसंद से खाते हैं तो आज हमने सोचा यही बना देंगे, तो रात को भी कुछ नहीं बनाना होगा तो ये दिन और रात दोनों का मेरा मील एक साथ बन रहा है और इसीलिए हमने ये बड़ा कुकर यूज़ करा है। अच्छा, दाल जो है इसमें वो हरा मूंग की दाल यूज़ होती है, होल ले लें चाहे स्प्लिट ले लें, यहाँ हमने स्प्लिट लिया है। होल जो है वो गलाने में थोड़ा टाइम लगता है और स्प्लिट जो है वो आपका 2 विसल्स में गल जाती है। और चावल जो है ये कामनी चावल लिए हैं मैंने, जिसको गुलाब सोरू भी कहते हैं, गुलाब चावल या कामनी चावल जो हम लोग पुलाव में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 कप चावल लेने थे बट मेरा माइंड देखिए हमने ये 3 कप चावल ले लिया। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा बन गया था बट घर में ही सबको खाना था। तो गोश्त को उधर कुकर में डाल के हमने स्टोव को ऑन कर दिया। जब तक ये गोश्त बन रहा था यहाँ पे हमने चावल दाल भून रहे थे तब तक मैंने और भी बहुत सारे काम, ये सब मेरा काम यहाँ पे जो जो डब्बे में सामान खत्म हो गया था उसको वापस सफाई करी, क्लीन करा। तब तक ये मेरा गोश्त जो था ये रेडी हो गया। ये 15 मिनट हमने इसको रखा था आफ्टर 3 विसल्स।
तो उसके बाद इसको खोल दिया, और खोलने के बाद अब हम इसमें दाल डाल रहे हैं। ये दाल को जो धोया था उस वो पानी फेंक दिया है और फिर से धो के इसमें डाला है। और फिर इसी के बाद अब इसमें हम लोग डाल देंगे साग को। ये लाल साग मेरा कटा हुआ डब्बे में रखा हुआ था, स्टोर करके हमने रख दिया था। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये चावल है, ये चावल इतने ज़्यादा डलते नहीं हैं, ये मेरे से गलती हो गई थी, ज़्यादा चावल डल गए इसमें। और जब ये हमने अभी हमको पता भी नहीं चला था कि ये चावल ज़्यादा हैं, जब ये पूरा बन के तैयार हो गया, जब हमने कुकर खोल के देखा तब देखा ये तो पूरा पुलाव बन गया। तो फिर हमने बाद में इसमें पानी डाल डाल के इसको और थोड़ा लिक्विफाई कर दिया। अभी जो है ये दाल चावल डालने के बाद इसको अच्छे से भुनेंगे, और इसी वक्त पे जो है आप अपना सॉल्ट को टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मेरा नमक परफेक्ट था, तो बस अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको बंद कर देंगे। 2 से 3 विसल में ये गल जाएगा। और पानी की क्वांटिटी आपको भर भर के डालनी है, उसमें आपको कोई ये मेजरमेंट नहीं रखना है, बस ऐसा हो कि ये जले नहीं और ये अच्छे से लिक्विड के ही फॉर्म में रहे। और यहाँ पे ये 3-4 हरी मिर्चें भी हमने डाल दी, और ये हम चेक कर रहे थे, हमने चेक कराई नहीं था कि गोश्त मेरा गला है कि नहीं, तो गोश्त भी खैर गला हुआ था। और फिर हमने कुकर का ढक्कन बंद करके इसको रख दिया चूल्हे पे। और फिर ये थोड़ी सी हरी मिर्ची हमने और ली, इसको बीच से स्प्लिट करके इसको भी फ्राई कर लिया था। और थोड़े से अनियन भी हमने फ्राई करके पहले रखे थे, जो कि हम लोग इसमें बाद में ऊपर से गार्निशिंग करके खाएंगे। इसका टेस्ट तभी आता है जो हम लोग इसके ऊपर ये सारे लवाजमात डालें। ये फ्राइड अनियंस है, फ्राइड ग्रीन चिलीज़ है, नींबू है, और इसमें चाट मसाला भी ऊपर से डाल के खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उधर कुकर में सारा दाल चावल साग डाल दिया है गलने के लिए, जब तक वो इधर गल रहा था। तो हम यहाँ आ गए हैं डस्टिंग करने के लिए। और यहाँ पर एक ये शोपीस पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से हम लोग इसको ले कर आए हैं गिफ्ट मार्केट से, मगर इसको लगाने की कोई सही जगह नहीं मिल रही है। तो अभी ये यहीं पे रखा हुआ है, आज इसको भी शाम में कहीं ना कहीं लगाया जाएगा। उसके बाद जो है नीचे मेरा कारपेट में मेरी कैट्स की वजह से बहुत सारे बाल लग जाते हैं, तो उसको भी साफ़ करना था वैक्यूम। तो सबसे पहले यहाँ पे ये डस्टिंग हो रहा है, ये डाइनिंग टेबल की डस्टिंग कर रहे हैं। ये देखिए मेरे बच्चों ने यहाँ पे अपना लैपटॉप का काम किया है, और ये माउस भी यहीं छोड़ दिया है। प्रेशर कुकर खुलने के बाद इसका लुक ऐसा था, गाढ़ा गाढ़ा। तो हमने इसमें गर्म पानी डाल के इसको जो है लिक्विफाई कर दिया। तो इसमें सिर्फ एक ही गड़बड़ हुई है कि ये चावल थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब कुछ इसका टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा था। और फिर जो है हमने इसको घोट दिया ताकि इसकी गोश्त की जो बोटियाँ हैं वो टूट जाएं। इतनी देर में यहाँ मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो फिर हम इन लोग का खाना निकालने के लिए नीचे आ गए। तो यहाँ हमने गर्म कराया थोड़ा सा देसी घी, तो इसको भी ऊपर से गार्निश करेंगे तो इसका मज़ा और अच्छा आ जाएगा। साथ ही इसमें नींबू भी डालना है हमको, तो हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी 2 प्लेट में इन लोगों का खाना निकाला। अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं थे तो इसीलिए मैं 2 ही प्लेट में निकाला। फिर जब इन लोगों का निकालने लगे तो फिर वो भी आ गए, तो फिर हमने सब एक साथ ही प्लेटिंग कर दी है। तो इसको एक प्लेट में ऐसे निकाला है, फिर इसके ऊपर डाला हमने फ्राइड अनियंस, ये घी और थोड़ा सा नींबू और चाट मसाला।